प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मग्न होंगे, जबकि ये समय बहुत ही अलग है, आप जानते हैं। तो भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों के ऊपर, उसकी कलीसिया के ऊपर, प्रभु के बच्चों के ऊपर और उसके सेवकों के ऊपर, बहुत बड़ी दया उसकी हमारे ऊपर बनी हुई है। और इससे पहले कि हम अपने विषय को आरम्भ करें, मैं आपका स्वागत दो वचनों के माध्यम से करना चाहता हूं। पहला वचन है दूसरा तिमोथियुस 2:9, वहां ऐसा लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद में भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हम जानते हैं कि इस वक्त हम सब सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी, जैसे कि पौलुस के समय कैद नहीं था, आज भी वो कैद नहीं है। हमारा विषय है स्कैटोलॉजी, और ये इसके विषय में हम थोड़ी देर के बाद परिचय देखेंगे, लेकिन इसी विषय से संबंधित एक वचन के द्वारा मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ, अपने आप को ब्लेस करना चाहता हूँ। और वो वचन है प्रकाशित वाक्य 1:3, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है 1:3 में, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आइए हम इस एटीट्यूड में, इस आत्मा में एक दूसरे के साथ समय बिताएं, इस समय में कि हम अपने आप को धन्य समझें, हम समझें कि ये समय जब हम प्रकाशित वाक्य और अंतिम दिनों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर में धन्य हैं। धन्य है जो इसे पढ़ते हैं, जो इसके सुनते हैं और जो एक साथ इसके विषय में वार्तालाप करते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो, इस कैटोलॉजी जो विषय है, इसका साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो यह है अंतिम दिनों का अध्ययन। इससे पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़े, ये 6 सेशंस के बारे में हमें साफ साफ मालूम हो जाना चाहिए कि जब हम इन 6 अध्ययनों को पढ़ कर लेंगे एक साथ, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे सामने हमें रखना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि 6 अध्ययन करने के बाद हम क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्कैटोलॉजी, व्हाट इज स्कैटोलॉजी। उसी के साथ साथ हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का आना, अर्थात कलीसिया का रैप्चर जिसे हम कहते हैं, कलीसिया का इस पृथ्वी से चले जाना। ये हम सबसे पहली चीज है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम दूसरे सेशन में न्याय और मेमने के विवाह के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, जजमेंट एंड मैरिज ऑफ द लैम्ब। तीसरे सेशन में हम महाक्लेश और प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद के बारे में सीखेंगे, ट्रिबुलेशन एंड क्राइस्ट सेकेंड कमिंग। चौथे अध्ययन के दौरान मैं और आप कोशिश करेंगे सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बारे में और शैतान के अंत के बारे में, या उसके डेस्टिनी के बारे में, मिलेनियम किंगडम ऑफ क्राइस्ट एंड सैटन्स डेस्टिनी। उसके बाद 5वें सेशन में हम सीखेंगे व्हाइट थ्रोन के बारे में, अर्थात श्वेत सिंहासन उसके विषय में। और अंत में जो हमारा अंतिम सेशन होगा, उसमें हम नई आकाश, नया पृथ्वी और नए यरूशलेम के बारे में सीखेंगे। देखो, सब कुछ नया हो गया। हमारे परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो सब कुछ नया कर देगा और वो हमें नई पृथ्वी, नया स्वर्ग और नए यरूशलेम में ले जाएगा। सो परमेश्वर में प्रार्थना में बने रहें इन दिनों, मेरे लिए भी प्रार्थना करें और आप अपने विषय में विशेष प्रार्थना करें। मैं फिर कहूँगा, जब आप यहाँ पे वचन को सीख रहे हैं, तो आप इन वचनों को इस तरह से आत्मा में ग्रहण करें, पवित्र आत्मा और वचनों के द्वारा, कि आपके सीखने से, आपके बढ़ने से आपकी कलीसिया की भी उन्नति हो। आज हम देखेंगे अपने पहले सेशन में व्हाट इज एस्केटोलॉजी, कमिंग क्राइस्ट एंड रैप्चर ऑफ द चर्च। असल में हम इसको साधारण शब्दों में देखें तो एस्केटोलॉजी को हम 2 भागों में एक ग्रीक शब्द में बांट सकते हैं। पहला शब्द है एस्केटो, अर्थात उसका अर्थ होता है अंतिम या लास्ट, और दूसरा शब्द है लॉजी, जिसका मतलब है कि द स्टडी ऑफ एंड टाइम्स या अध्ययन। साधारण शब्दों में स्कैटोलॉजी जो है वो अंतिम समय का अध्ययन है।
स्कटोलॉजी में विभिन्न चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड ऑफ दिस एज, एंड ऑफ द वर्ल्ड, द नेचर ऑफ गॉड्स किंगडम। स्कटोलॉजी का साधारण शब्द है अंतिम समयों के विषयों को अध्ययन करना। मसीह स्कटोलॉजी जो है उसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो विभिन्न बातों को हम समझने की कोशिश इन दौरान करेंगे, जैसे कि मसीही मृत्यु, मृत्यु के बाद का जीवन, स्वर्ग और पृथ्वी, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, कलीसिया का उठा लिया जाना जिसे हम रैप्चर कहते हैं, क्लेश, उसी के साथ में प्रभु यीशु मसीह के हजार वर्ष का राज्य, इस संसार का अंत, अंतिम न्याय, नया स्वर्ग, नया पृथ्वी और इस संसार को परमेश्वर जब नया कर देगा। हम इसके बारे में स्कैटोलॉजी के अध्ययन में ही सीखते हैं। साधारण शब्दों में स्कैटोलॉजी अंतिम दिनों के विषयों के बारे में किया गया अध्ययन, उसे हम स्कैटोलॉजी कहते हैं। आज हम इस बात को इस प्रकार से समझेंगे, हमारा ध्यान आज रहेगा प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बारे में। हम प्रभु यीशु मसीह से दो तरीके से मिल सकते हैं। एक, जब एक मसीही विश्वासी की मृत्यु हो जाती है वो प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है। वचन कहता है एब्सेंट इन बॉडी प्रेजेंट विद क्राइस्ट, जो शरीर में अनुपस्थित है वो प्रभु में उपस्थित है। इस वक्त मुझे दुख है उन तमाम संसार के लोगों का जो कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं। और इसलिए हमें इस वक्त चौकसी करनी चाहिए अपनी, और हमें तैयार करना चाहिए अपने आप को कि हम कई लोगों को सुसमाचार के द्वारा, प्रभु के प्रेम के द्वारा यीशु मसीह के पास लेके आ सके, ताकि जब वो इस पृथ्वी से जाए, अगर यीशु के आने में देर है तो यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हो सके। सो फर्स्ट इज क्रिश्चियन डेथ, वी मीट क्राइस्ट बाय क्रिश्चियन डेथ। दूसरा, हम प्रभु यीशु मसीह से मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए आज रात में प्रभु यीशु मसीह आ गया तो हम सब बादलों पे उठा लिए जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा और हम प्रभु यीशु मसीह से मिल सकेंगे। और मैं इसका वर्णन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और मुझे फिर से आपको मैं चुनौती दूंगा कि आज अगर रात में यीशु मसीह आते हैं और हम सब उठाए जाते हैं तो क्या हमारे परिवार के लोग, क्या हमारे मित्र लोग, क्या हमारे वो सारे भाई बहन जो आज भी प्रभु को नहीं जानते, क्या वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने को तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूँ पवित्र आत्मा और वचन के माध्यम से कि क्या आप तैयार हैं? क्या मैं अपने आप में तैयार हूँ? मैं ये सवाल अपने आप से भी पूछता हूँ कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? आइए हम इस अध्ययन को इस प्रकार से करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जिस भी तरीके से प्रभु ने चुना है, चाहे हमारी मृत्यु के द्वारा या उसके आगमन के द्वारा, हम उससे मिल सके। मसीही मृत्यु के बारे में अगर हम देखें तो मैं दो बातें सबसे पहले कहूंगा जो कि भजन संहिता 116 और उसके 15 में लिखा है। मैं समय बचाने के लिए वचन को नहीं पढ़ूंगा, आपके पास नोट्स हैं, आप उस नोट्स को जरूर वचन से पढ़ लीजिए। वहां पे ऐसा लिखा है भजन संहिता 116 और उसके 15 में, यहोवा के दासों की मृत्यु, उसके भक्तों की मृत्यु उसके लिए बहुत ही मूल्यवान है, प्रेशियस है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है जो विश्वासी है, इस बात को परमेश्वर बहुत ही मूल्यवान समझता है। उसी के साथ साथ प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 13 पद में लिखा है, अब से जो मुर्दे मसीह यीशु में सोते हैं वो धन्य हैं। अर्थात जब मृत्यु को कोई विश्वासी प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर में धन्य हो जाता है। मैं कुछ रेफरेंसेस आपको दूंगा और मैंने नोट्स में लिख दिया है ताकि आप मृत्यु के विषय में उसे अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि इब्रानियों 9:27, वहां लिखा है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना नियुक्त है। दूसरा कुरिन्थियों 5:8, वहां लिखा है एब्सेंट इन बॉडी प्रेजेंट विद क्राइस्ट, जब हम बॉडी में नहीं है, अनुपस्थित है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। फिलिपियंस 1:23, वहां पे पौलुस इच्छा करता है कि मैं अब कुछ करके प्रभु के पास जाना चाहता हूं। देर वॉज अ लॉन्गिंग इन हिज हार्ट टू गो एंड रेस्ट विद द लॉर्ड, वो ये कहता है कि मैं जाना चाहता हूं। इस वचन के अनुसार क्रिश्चियंस को या विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो वो मैं धन्य हूं, मैं लाभ को प्राप्त करूंगा। इब्रानियों 12:23 हमें बताता है कि जब एक विश्वासी का देहांत होता है
तो वो परमेश्वर के नगर में जाता है, वो सियोन को जाता है, वो स्वर्गदूतों लाखों लाखों स्वर्गदूतों के बीच में जाता है, वो पहलौठे के आम जमात के मध्य में खड़ा हो जाता है और वो कलीसिया का इंतज़ार करता रहता है, वो अन्य पवित्र संतों के साथ मिल जाता है। लूका 16 अध्याय 19 से 31 में हम देखते हैं लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी। इसको मैं चाहूँगा कि आप अवश्य पढ़ लें। इसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो था वो इब्राहिम की गोद में चला गया मरने के बाद, और दूसरा व्यक्ति वो नरक को चला गया। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब एक विशेष बात हमें समझ लेना चाहिए, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर काम कर रहे थे उस वक्त अधोलोक का अधोलोक नीचे था। अधोलोक दो भागों में बटा हुआ है। मैंने कोशिश किया है कि इसको अटैच फाइल में आपको मैंने भेजा है, आप इसको जरूर इस का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह नीचे गए तो आप देख सकते हैं कि ये दो भाग यहाँ पर है। जो धर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से पहले मृत्यु को प्राप्त करते थे, वो जाके इस स्थान के ऊपर विश्राम करते थे, जिसे इब्राहिम की गोद कहा जाता है। ये इब्राहिम की गोद है जहाँ पे लाजर गया था, और ये विश्राम का स्थान है। हम जानते हैं लाजर की कहानी से। और जो अधर्मी लोग हैं वो इसके दूसरे भाग जिसे नरक कहते हैं, वहाँ पे जाके वो पीड़ा का स्थान है, वहीं पे वो निवास करते हैं और पीड़ित और दुखित रहते हैं। मैं फिर चुनौती दूंगा आपको, इस समय कई लोग हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं। मेरा और आपका कर्तव्य है कि ना केवल हम खुद बच जाएं, परंतु हम उन्हें भी बचाएं, कई लोगों को हम उस आग से छुड़ा के प्रभु के राज्य में ले आए, परमेश्वर के पास ले आए। अब जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जब मर गए तो वो पृथ्वी के नीचे गए, निचले स्थानों पे गए। हम वचन में पाते हैं इसको कि इफिसियों 4:8-10 में और पहला पत्रस 3:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जब उनका देहांत क्रूस के ऊपर हो गया तो वो निचले स्थानों पे गए, अर्थात वो इस स्थान पे गए। और सारे पूरे पुराने लोग, पुराने जो धर्मी लोग थे और यीशु मसीह के मरने तक जो धर्मी लोग थे, उनसे उसने सुसमाचार का बातचीत किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत किया। इफिसियों 4:8-10 हमें बताता है कि वो निचले स्थानों पे चला गया, यह है वो निचला स्थान। और उसके बाद पहला पत्रस 3:19 हमें बताता है कि उसने उनसे परमेश्वर के बारे में बातचीत किया, राज्य के बारे में प्रचार किया, और तब उन सारी आत्माओं को अपने साथ छुड़ाकर स्वर्ग स्थान में ले गया। आज जब एक विश्वासी उसका देहांत होता है और वो अगर प्रभु में है तो वो इस स्थान में नीचे नहीं जाता है, यह स्थान अब खाली है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाता है। मैं फिर कहूँगा एब्सेंट इन बॉडी प्रेजेंट विद क्राइस्ट। और पॉलुस कहता है कि मैं जी चाहता है कि मैं कूच करके परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जाके रहूं। यीशु मसीह हम जानते हैं नीचे नहीं है, यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में है। ये स्थान आज भी वही है, ये यहाँ पर रोना और दांतों का पीसना हो रहा है। आज भी जो आत्माएं जो प्रभु को नहीं जानती हैं वो यहाँ जाती हैं और रोती हैं। आप और मैं कितने धन्य हैं कि हमें प्रभु ने इतने बड़े तकलीफ से बचाया, हमें पीड़ा से बचा लिया, और आज हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हैं। ये है मसीही मृत्यु, कि अगर हम आज चले जाते हैं रात्रि काल में या भी, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और सदा उससे मिलेंगे। मसीही मृत्यु के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रभु यीशु मसीह से मिलने का, कि अगर हम मृत्यु में नहीं गए हैं और इस पृथ्वी के ऊपर एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं, प्रभु से प्यार कर रहे हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, जिसे हम कई तरीके से बुलाते हैं, जैसे क्राइस्ट कमिंग, बादलों में प्रभु का आना, सीक्रेट कमिंग। मैं एक बात यहाँ पे आपका ध्यान लगाना चाहूँगा कि ये सीक्रेट कमिंग या बादलों पे आना यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बाद में है। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाने के लिए आएंगे, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा है। इस वचन को हम पढ़ लेते हैं एक साथ, पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। हम सब जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो आप देख रहे हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे
हम सब यहाँ से उठा लिए जाएंगे और बादलों में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मिलेंगे। इसको हम साधारण शब्दों में रैप्चर कह सकते हैं। ये रैप्चर होगा, है ना। यीशु मसीह आ जाएंगे बादलों के ऊपर और पवित्र आत्मा हमें यहाँ से ले जाएगा। फिर से मैं कहूँगा, ये यीशु का दूसरा आगमन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बाद में होगा। बहुत से पद हैं जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:2-4। मैंने इन सारे वचनों को नोट्स में लिख दिया है ताकि हम इसको आराम से आप अपने वचनों को मिला के इस वीडियो के साथ आप अध्ययन करें और इस वचनों को भी आप जांच लें कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2-4, दूसरा पत्रस 3:19, प्रकाशित वाक्य 3:3, प्रकाशित वाक्य 16:15 हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें लेने के लिए आएंगे। द सीक्रेट कमिंग विल बी अनएक्सपेक्टेड लाइक अ थीफ कम्स, जैसे कि एक चोर आता है, वो आएगा, संसार के लोगों को पता नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, पवित्र आत्मा विश्वासियों को लेकर के जाएगा और वो जो मुर्दे हैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा और हम सब जाकर एक साथ, उनमें से कोई भी हमसे आगे ना बढ़ेगा और हम सब स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह से बादलों में मिलेंगे और वो हमें आगे ले जाएगा। रैप्चर जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया है, रैपिम्यूर, RAPIEMUR शब्द से आया है, जिसका अर्थ है सडनली कॉट अप इन द हेवन। साधारण तरीके से हम कहें तो अचानक से पकड़ा जाना, इसको हम कहते हैं। बाइबल में आप रैप्चर शब्द कहीं भी नहीं देखेंगे, है ना। बाइबल के विद्वान लोगों ने, अध्ययनकर्ताओं ने इस शब्द को पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 के अनुसार हमें प्रदान किया है ताकि हम इस चीज को समझें कि ये अचानक होगा। ये साधारण तरीके से हम समझ लें कि ये अचानक होगा, हम तुरंत बदल जाएंगे। जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, जो मुर्दे हैं वो जी जाएंगे और हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। फिर से मैं कहूँगा कि पहला यीशु मसीह का जो बादलों पर आगमन है और यीशु मसीह का जो बाद में आगमन है, उसमें एक अंतर है। पहला अंतर हम ये देखें कि जो प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो कलीसिया को ले जाने के लिए आएंगे, ही विल कम फॉर द चर्च इन द एयर। परंतु दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ आएंगे। इन दोनों का रेफरेंस मैंने दिया है, जैसे कि यूहन्ना 14:3 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पिता पर विश्वास करते हो मेरे पर भी विश्वास करो, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। ये यीशु मसीह के आने के बारे में है, सीक्रेट कमिंग के बारे में है। लेकिन सेकंड कमिंग को हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7-15 में, वो यीशु मसीह आएंगे बाद में। और हम एक बात, दूसरा अंतर ये देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब बादलों पर आएंगे तो वो हमारे रिडीमर के रूप में आएंगे, ही कम्स एज अ रिडीमर ऑफ द चर्च। लेकिन जब वो दूसरे आगमन में आएंगे तो वो एक जज के रूप में आएंगे, एक न्याय करने के वाले रूप में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो सीक्रेट कमिंग बादलों पर होगा, उसको उसका टाइम हमें मालूम नहीं है। वो अभी भी हो सकता है, आज रात में हो सकता है, कल हो सकता है, या कुछ सालों के बाद हो सकता है। इसलिए हमें तैयार रहना है। लेकिन हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेकेंड कमिंग है वो रैप्चर के 7 के बाद होगा। बाइबल इसको वर्णन करती है, बाइबल इसका बारे में इसके बोलती है। 7 जब रैप्चर हो जाएगा, उसके 7 के बाद जो कि क्लेश का समय है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। जैसे ही क्लेश और महाक्लेश खत्म होगा, यीशु मसीह फिर दोबारा आएंगे, यानी सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद हम चौथा अंतर देखते हैं कि सीक्रेट कमिंग विल बी बिफोर द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जो महाक्लेश होगा या क्लेश होगा उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। इसका रेफरेंस है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17। परंतु हम सेकेंड कमिंग में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन या महाक्लेश के बाद में आएंगे। सेकेंड थिस्सलुनीकियों 1:7-15 में ये बात लिखी हुई है। मैं समय बचाने के लिए वचन को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में आ रहा है इस वचन का अध्ययन करने के लिए। सेकंड थिस्सलुनीकियों 1:7-15 में हम देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। 1:7-15 वहाँ पे ऐसा लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7-15, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो
जब उसका दूसरा आगमन होगा वो महाक्लेश के बाद होगा। क्लियर यहाँ लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। आप देख सकते हैं महाक्लेश जब खत्म होगा तब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो पृथ्वी का न्याय करने के लिए आएगा, कलिसिया के साथ आएगा। लेकिन महाक्लेश से पहले प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा। हम बाद में जब ट्रिब्यूलेशन के बारे में देखेंगे तो हम इस बात को और अच्छे से समझेंगे। एक चीज साफ है कि कलिसिया महाक्लेश में या क्लेश में नहीं जाएगी, है ना। इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद पांचवा अंतर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह का जो सीक्रेट कमिंग होगा, जो वो हमें ले जाने के लिए आएगा, वो एक दूल्हे के समान आएगा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। कितना आनंद का विषय है कि मैं और आप उसकी दुल्हन हैं। अगर हम अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हैं, हमारा दूल्हा आने में देर नहीं करेगा। इफिसियों 5 में हम देख सकते हैं इस वचन को, 5:22 में हम देख सकते हैं इसको, कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को तैयार कर रहा है और वो हमें ले जाने के लिए आएगा, वो दूल्हे के रूप में आएगा। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन के साथ आएगा, दुल्हन के साथ आएगा राज्य करने के लिए। तो सीक्रेट कमिंग में वो दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा, लेकिन दूसरे आगमन में दुल्हन के साथ आएगा राज्य करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 2:26-27 में हम इसको देख सकते हैं, और प्रकाशित वाक्य 19:11-15 में भी हम इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ लेना, आनंद का विषय होगा। प्रकाशित वाक्य 2:26-27 अगर हम देख लें, 2 प्रकाशित वाक्य 26-27, जो जय पाएं और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वे लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलिसिया से क्या कहता है। अब देख रहे हैं ये वचन आत्मा कलिसिया से कह रहा है। ये वचन में कहा जा रहा है कि कलिसिया को परमेश्वर राज्य करने का अधिकार देगा। हम प्रभु के साथ आएंगे और उसी के साथ में हम राज्य करेंगे। एक वचन और हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 19:11-15 में भी इन बातों को हम पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:11-15, ये वचन पढ़ना आवश्यक है ताकि हमें हौसला मिले, हम अपने आप को तैयार कर सकें। प्रकाशित वाक्य 19:11-15 पढ़ूंगा मैं, आप ध्यान से सुने। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आँखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा
प्रभुओं का प्रभु। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो कि कलीसिया के साथ आएगा दूसरे आगमन में, और वो राज्य करेगा, न्याय करेगा, इस संसार का न्याय करेगा। उसके बाद हम छठा अंतर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सीक्रेट कमिंग में आएंगे, तो आफ्टर सीक्रेट कमिंग क्राइस्ट विल नॉट रिमेन, चर्च विल नॉट रिमेन इन द अर्थ। जब यीशु मसीह का हमें ले जाने के लिए आएगा और हमें ले जाएगा कलीसिया को, जब वो ले जाएगा तो इस पूरे संसार में कलीसिया चली जाएगी। पवित्र आत्मा का काम कलीसिया के द्वारा रुक जाएगा। पवित्र आत्मा तो भी काम करता रहेगा क्योंकि वो अनंत है, वो हमारे साथ स्वर्ग में भी रहेगा और पृथ्वी पर भी रहेगा, लेकिन कलीसिया नहीं रहेगी। और क्योंकि कलीसिया नहीं रहेगी तो वो विनाश का पुत्र प्रकट हो जाएगा, जिसे कि हम एंटीक्राइस्ट के नाम से जानते हैं। वो अपने आप को प्रकट करेगा और इस संसार को के ऊपर क्लेश लाएगा। आप समझ रहे हैं, केवल दो लोग हैं जो एंटीक्राइस्ट को रोक रहे हैं, पवित्र आत्मा और कलीसिया। मैं इस वक्त समय लेता हूं बोलने के लिए कि कलीसिया कितनी सामर्थी है, कलीसिया तेजस्वी है, कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, कलीसिया की प्रार्थनाएं आज भी ताकतवर है, है ना। मैं और आप बहुत बार ऐसा नहीं समझते, लेकिन वचनों के अध्ययन के द्वारा हम पाते हैं कि कलीसिया में के पास वो अधिकार प्रभु ने जो वो देगा आज भी है, हमारे पास है यीशु मसीह में होके। और जब हम आज प्रार्थना करते हैं तो शैतान के कई कार्यों को हम रोक सकते हैं। आइए मैं आपको चुनौती देता हूं इस वक्त कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और इस संसार के लिए जो हमारे प्रभु का है, प्रार्थना करें। और तब प्रकाशित वाक्य कहता है कि मैंने इस जगत के राज्य को परमेश्वर हमारे प्रभु का राज्य होते हुए देखा। ये होगा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। तो सेकंड कमिंग में जब हम देखेंगे, इसके तुलना में अगर हम देखें, तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो कलीसिया के साथ आएगा। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह अभी आएंगे हमें ले जाने, तो चर्च चला जाएगा, और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो कलीसिया वापिस इस पृथ्वी के ऊपर आएगी। कलीसिया प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। इस संसार में अगर वो कुछ भी काम करता है, वो कलीसिया के माध्यम से करता है, ये हमारा सौभाग्य है। सातवां और अंतिम अंतर यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, वो हम बादलों पे मिलेंगे, है ना। क्राइस्ट विल कम इन एयर एंड वी विल मीट इन द एयर। हम बादलों पे प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 इस बात का वर्णन करता है। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह दूसरा आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का, तो जकरयाह 14 और उसके चौथे और पांचवें वचन में हम देखते हैं कि दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसे प्रकट नहीं हो जाएगा बादलों के ऊपर। वो जो है प्रभु यीशु मसीह जब जकरयाह में आएगा, तो वचन कहता है कि वो पहाड़ के ऊपर आकर के रुकेगा, और ये वही स्थान है जहाँ से वो उठा लिया गया था और लोग उसको देख रहे थे। ये वही स्थान है जहाँ प्रभु यीशु मसीह जकरयाह उसका 14 और 4-5 में आप देखेंगे कि यीशु मसीह उस पर्वत के ऊपर आएगा और उस पर्वत के ऊपर खड़ा होगा, और वो पर्वत जो है हिला दिया जाएगा। अपनी कलीसिया के साथ आएगा, एक न्यायी के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में, एक राजा के रूप में, इस संसार के लोगों का न्याय करने का। तो इसलिए इन दोनों के अंतर को हम अच्छे से देख लें और समझ लें, है ना। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर चले जाएंगे और सेकंड कमिंग में उसके साथ आएंगे। हम लोग एक दुल्हन के समान जाएंगे, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बन के राज्य करने के लिए आएंगे। सवाल ये उठता है, हु विल गो इन द रैप्चर। कौन लोग कलीसिया, कौन लोग उठा लिए जाएंगे, किन लोगों को प्रभु ये मौका देगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे मिल सकेंगे। सबसे पहली बात है वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में है, दोज हु आर इन क्राइस्ट। अब ध्यान से सुने, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उठा लिए जाएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। इस वचन को हम पढ़े, यूहन्ना 14:1-3, बहुत ही शांति का वचन है ये, बहुत ही आशीष का वचन है ये। यूहन्ना 14:1-3, और इस प्रकार से मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में शांति देता हूँ, कि जैसे यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं ये वचनों को, लेकिन इसे अध्ययन करना और भी आनंद का विषय है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं,
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना शांति और आशीष का ये वचन हमें दिया है प्रभु ने, है ना। तो वो लोग जाएंगे, दोज हु आर इन क्राइस्ट। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कई लोगों को यीशु मसीह में लेके आए। दूसरे वो लोग जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, दोज हु आर विद क्राइस्ट। प्रभु ने अपने एक चेलों से कहा, यूहन्ना 21 का 22 में हम एक साथ देख लें, यूहन्ना 21 अध्याय और 22 पद। केवल यीशु मसीह को जानना ही काफी नहीं है, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ रहेंगे, जो डाली मुझ में बनी रहती है उसे वो कभी नहीं काटेगा। हाँ, वो आपको छाटेगा लेकिन काटेगा नहीं। हाँ सर, आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह में क्या आप बने हुए हैं? यूहन्ना 21 का 22 में यहां पर हम देखते हैं, प्रभु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने एक चेले से कहा। 21 का 22 में उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। हम जानते हैं इस वचन को। प्रभु यीशु मसीह से पत्रस ने पूछा यूहन्ना के विषय में या अन्य चेलों के विषय में कि इनका क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस से ये कहा कि तू अपने बारे में सोच पत्रस, और तू एक काम कर, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे साथ चल, यू वॉक विद मी। गलतियों 5:25 में लिखा है, जब मसीह में जीवित हुए हो तो मसीह के साथ चलो भी। क्या आप रेगुलर प्रभु के साथ चल रहे हैं? क्या आप रेगुलर नित्य प्रभु के साथ आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं? क्या आप व्यक्तिगत प्रभु के साथ समय बिताते हैं? क्या आप प्रभु को समय देते हैं? वचन कहता है, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। क्या आप नित्य परमेश्वर के साथ उसके वचनों का अध्ययन करते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आज जो प्रभु आपको करने के लिए कह रहा है, क्या आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आर यू आर ओबेइंग क्रिश्चियन? आर यू कीपिंग अ क्लोज फेलोशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी पॉन्डर्ड। इसके बारे में हमें सोचना, वी नीड टू मेडिटेट अपॉन ऑल दिस थिंग्स। मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, उसकी संगति में हैं, तो आपको प्रभु ले जाएगा और तब हम उसके आने तक ठहर भी सकेंगे। और अंतिम में हम देखते हैं, हु आर फॉर क्राइस्ट, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हैं उनको प्रभु यीशु मसीह उठा देगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 26 पद में हम इसको देखते हैं। मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 26 पद। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। कहाँ पर हम रोटी तोड़ते हैं? हम कलीसिया में रोटी तोड़ते हैं। कहाँ पर हम उस कटोरे में से पीते हैं? हम चर्च में अपने पवित्र भाई बहनों के साथ, प्रभु के दासों की संगति में इस सौभाग्य को हम प्रयोग में लाते हैं। क्या आज आप प्रभु के साथ उसकी कलीसिया से जुड़े हुए हैं? क्या आप कलीसिया का बोझ रखते हैं? क्या आप कलीसिया की सेवा में हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आपका पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पित है? क्या आप किस प्रकार से, जैसे पौलुस कुरिन्थियों को कह रहा है, इससे संबंध में उससे जुड़े हुए हैं? मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के भय में आपसे और अपने आप से 3 सवाल फिर से कहूंगा और पूछूंगा। पहला सवाल, आर वी इन क्राइस्ट, क्या हम यीशु मसीह में हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? आर वी कीपिंग वेरी क्लोज फेलोशिप विद आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? और तीसरा, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं? आर वी फॉर क्राइस्ट, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हैं? क्या हम उसकी कलीसिया में हैं? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं, अर्थात मैं ये कहूँगा, जो दोज हु आर इन क्राइस्ट, दोज हु आर विद क्राइस्ट एंड दोज हु आर फॉर क्राइस्ट, है ना, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उठाएगा और स्वर्ग में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे और हम स्वर्ग में चले जाएंगे। मैं एक बात और आपको आशा देने के लिए कहूँगा, हर एक लोग जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का अश्योरेंस है, अर्थात उद्धार का अश्योरेंस, वो प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानी,
या हम उसके हिसाब से पृथ्वी पे नहीं रहे तो इसका न्याय परमेश्वर हमसे करेगा। लेकिन अगर ये अश्योरेंस के साथ हम जी रहे हैं कि मैं पापी था, मैंने अपने पापों को धो लिया प्रभु यीशु के लहू से, और वो मेरा उद्धार करता है, स्वामी प्रभु है, और मैं उसके आने की बाट जो रहा हूँ, तो हाँ वो हमें उठा लिया जाए, हमें उठा लेगा, वो हमें ले जाएगा। और मैं इस वक्त प्रार्थना करूँगा अपने दिल से, आप और आपका परिवार और आपकी कलीसिया और आपसे जो कोई मिले वो इस अश्योरेंस में रहें कि वो यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह बचा लेगा आपको। उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। कई लोगों को सिर्फ जीवन मिलेगा और ये दुख का विषय है, लेकिन आइए हम इस समय लॉन्ग करें कि हम बहुतायत का जीवन मिले। जीवन उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ यीशु मसीह को जानेंगे और वो बच जाएंगे और वो स्वर्ग में चले जाएंगे। बहुतायत का जीवन उन लोगों के लिए है जो यीशु को जान के कई लोगों को प्रभु में लाएंगे यहाँ पे, वो बहुतायत का जीवन को बांटेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, और जब वो स्वर्ग में पहुँचेंगे, हाँ वो प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे जो कि जीवन है, लेकिन उन्हें इनाम मिलेगा, उन्हें मुकुट मिलेगा। हम बाद में इन बातों को देखेंगे, ये कितना आनंद का विषय है। वो हमें 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 गिफ्ट देगा, वो हमें वरदान देगा, वो हमें नई चीजें देगा, वो हमें नए वस्त्र देगा, है ना, और सबसे बढ़कर वो हमें मुकुट देगा। वैसे मैं आपको चुनौती दूंगा कि आप केवल जीवन को ही प्राप्त ना करें। पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। जब हम इस प्रकार के एटीट्यूड में रहेंगे कि मैं तो बच गया, प्रभु ने मुझे अनुग्रह से बचा लिया, अब मैं दूसरों की भी सेवा करूंगा, मैं दूसरों को भी प्रभु के पास लाऊंगा, तो हम बहुतायत का जीवन जी रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको चैलेंज करूंगा, मैं चुनौती दूंगा कि आत्मा से भरा हुआ, वचन से भरा हुआ, कलीसिया की संगति में खड़ा हुआ, विश्वासियों के संग में मिरास पाके अपने जीवन को बिताएं, प्रभु के दासों के संगति में अपने आप को रख के, एक लॉन्गिंग के साथ प्रार्थना करके अपने जीवन को बिताएं। और उन लोगों के लिए भी जो आज प्रभु को नहीं जानते, हमारे अपने कई परिवार के लोग हैं जो आज प्रभु से दूर हैं, क्या आज आपने उनके लिए प्रार्थनाएं की? क्या आज आपने उनके सुसमाचार सुनाया? क्या आज आप उनका इंतजार कर रहे हैं जैसा वो बाप अपने बेटे का कर रहा था? आइए हम इस एटीट्यूड में रहें, हम इस तैयारी में रहें, हम इस मुस्तैदी में रहें, हम इस जोश और जलन में रहें कि हमें प्रभु का काम दिन ही दिन में कर लेना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जहां हम प्रभु का काम नहीं कर पाएंगे, जहां कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं होगी, जहां कलीसिया सुसमाचार नहीं प्रचार कर पा रही होगी, जहां कलीसिया प्रार्थनाएं नहीं कर पा रही होगी, जहां कलीसिया उस दुष्ट को प्रकट होने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी। अपने अधिकारों को और अपने पद को समझिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर में होके दिया है। मेरे प्रियो, ये बड़ा ही सुंदर अवसर है कि हम एक साथ इस लॉकडाउन में इन बातों का विस्तार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको यीशु मसीह के प्रेम में निमंत्रण देता हूँ कि अपनी कलीसिया को इस प्रकार से बनाइए, है ना। मैंने एक बात बहुत पहले सुना था कि चाइना के भाई बहन कहते हैं, ईच वन प्रीच वन, ऐसा हमारा एटीट्यूड हो, है ना। अब मैं ये भी कहूँगा आपसे कि जब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमें कैसे तैयारी करना चाहिए अपने आप को। सबसे पहले, वी मस्ट एक्सपेक्ट हिज कमिंग। हमें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को एक्सपेक्टेशन में रखना चाहिए। दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय उसका आठवां पद हम देखेंगे, दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय और उसका आठवां पद, वहां पे लिखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। याद रखिएगा, यीशु प्रकट होगा, और अगर हम उसको, यहाँ पे लिखा है कि उसके लिए हम आशा रखें, उसके उस प्रकट होने को प्रिय जाने, वी नीड टू लिव विद एक्सपेक्टेशन इन आवर हार्ट कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आएगा। दूसरा, हमारे जीवन में हमें ये तैयारी होनी चाहिए या हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वी मस्ट वेट फॉर हिम, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। बाइबल के शब्दों में मुझे और आपको उसकी बाट जोनी चाहिए। हम देख लेते हैं तीतुस दो अध्याय उसका तीन पद, वहाँ पे लिखा हुआ तीतुस, बहुत ही आनंद का वचन है ये, इसे जरूर हम एक साथ पढ़ें ताकि परमेश्वर हमारी आत्मा को शांति दे। तीतुस दो अध्याय और उसका तीसरा पद, वहाँ लिखा है,
मुझे माफ कीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों एक अध्याय उसका 10 पद, पहला थिस्सलुनीकियों एक अध्याय और उसका 10 पद, वहां पर हम देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। मुझे माफ कीजिए, तीतुस में नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 10 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 10 पद में हम देखते हैं, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कलीसिया को कहा गया है, निर्देशन दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए बाट जोते रहो। जिन दिनों में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे और पैदा होने वाले थे, दो लोग यीशु मसीह के पैदा होने के लिए और उस समय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एक धर्मी समोन जो बाट जो रहा था, और फनवेल की बेटी हन्ना जो कि प्रार्थना में रहती थी और भवन को नहीं छोड़ती थी। इन दोनों के मन में प्रार्थना थी और ये बाट जो रहे थे, और उनके प्रार्थना के फलस्वरूप प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया या पैदा हुआ। आज कलीसिया को चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए बाट जोएं। बाट जोने का सीधा अर्थ है प्रार्थना करें। आपने कब प्रार्थना की कि यीशु मसीह जल्दी आ? आपके मन में ये इच्छा है या नहीं? इस समय जब मैं इन दिनों में अध्ययन कर रहा हूं, तो मेरे मन में ये प्रार्थना करने के लिए आ रहा है कि हम ये कह सके कि हे प्रभु तू जल्दी आ, रूह और दुल्हन ये कहे हे प्रभु आ। इस एक्सपेक्टेशन में, इस एटीट्यूड में हमें रहना है, एटीट्यूड ऑफ प्रेयर, एटीट्यूड ऑफ वेटिंग। हम प्रार्थना और इंतजार में रहें, और उसी के साथ साथ हम लोग अपने आप को तैयार करें। थर्ड एटीट्यूड, वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ। केवल अपने आप को ही नहीं, हम अन्य लोगों को भी तैयार करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है हम। पहला थिस्सलुनीकियों में हम देखें 5वां अध्याय 2 से 8, ये बहुत ही अच्छा वचन है, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 से 8, वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि ये दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। अब इस वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हाँ वो चोर की नहीं आएंगे, लेकिन वो संसार के लोगों के लिए चोर की नहीं आएंगे, हमारे लिए नहीं। हम जो आत्मा से भरे और वचन से भरे, और हमारा एटीट्यूड अगर है कि हम आशा कर रहे हैं, हम जो इंतज़ार कर रहे हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम इस एटीट्यूड में रहेंगे तो हम अपने आप को तैयारी में रखेंगे, और जब हम तैयारी में रहेंगे तो जब यीशु मसीह आएगा हम एग्जैक्टली जानेंगे कि यीशु मसीह आ गया, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। हम रेडी होंगे अपने प्रभु से मिलने के लिए। ठीक वैसे ही जब हमारे बच्चे या हमारे घर के लोग जब वो आते हैं, तो घर वालों को मालूम रहता है कि हमारे घर वाले आ गए हैं या आने वाले हैं, और वो जैसे ही गेट पर आते हैं, तुरंत उन हमारे घर वाले दौड़ के आते हैं। जब मैं दौड़ के अपने घर में आता हूँ, मेरी बेटी और मेरा बेटा दौड़ के मेरे पास आते हैं, ठीक वैसे ही। और मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों को गोद में ले लेता हूँ, ठीक वैसे ही कितना आनंद का विषय होगा जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमें अपने आगोश में ले लेगा। और एक वचन हम देखें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 3रा पद, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें कलीसिया को तैयारी के साथ रहने के लिए हिदायत दी गई है। 3रा अध्याय उसका 3रा पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उनमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचूंगा। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग है कलीसिया को, प्रभु के लोगों को। ये सर्दिस की कलीसिया को कहा गया, याद रखिए ये वचन कलीसिया को कहा जा रहा है, जागृत रहने के लिए कहा जा रहा है, और वो हमसे कह रहा है कि बी रेडी फॉर द लॉर्ड। उसी के साथ साथ हम देख ले प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 15 पद, वहाँ पर हम देखते हैं ऐसा लिखा हुआ है, 16 का 15 में, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है
और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। कितना गंभीर वचन है ये। क्या मैं और आप नंगे हैं? नंगे वो लोग हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता वास नहीं करती है। प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है, प्रभु ने उन्हें धार्मिकता की चादर उड़ा दिया है। अब हम नंगे नहीं है मेरे प्रियो, हमें श्वेत धार्मिकता का वस्त्र दिया गया है, उसे हम यीशु मसीह के नाम से पहन चुके हैं और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अगर हम ये चीज़ें करते रहेंगे, अर्थात हम उसकी आशा करते रहेंगे, हम उसका इंतज़ार करते रहेंगे, हम अपने आप को तैयार करते रहेंगे, हम बाट जोते रहेंगे, हम उठा लिए जाएंगे। मेरी प्रार्थना यह है इस अध्ययन के द्वारा मैं अपने आप को तैयार करूँ, अपने लोगों को तैयार करूँ, सबसे ज़्यादा अपने घराने के लोगों को तैयार करूँ। आइए हम अपने घराने के लोगों को तैयार करें, अपने घर के लोगों को तैयार करें, अपने कलीसिया को जो प्रभु ने आपके हाथों में सौंपी है, आप उसके जिम्मेदार हैं, उन लोगों को आप संभालें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जितनों को तूने मेरे हाथ में दिया है उनमें से मैं एक को भी खोना नहीं चाहता हूँ। ये हमारी प्रार्थना हो कि आज जो कुछ भी प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है, मेरे परिवार को जो प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपा है, मेरी कलीसिया को जो प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपा है, उन तमाम लोगों को जो सुसमाचार हमारे द्वारा सुनते हैं, हमारे हाथों में सौंपा है, उनमें से एक भी जब प्रभु यीशु मसीह आए तो इस पृथ्वी पर ना झुके। आइए अपने सिरों को झुकाएं, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। पिताजी, हम बड़े गंभीरता के साथ आपके पास आते हैं इस समय में, हम आपकी आराधना करते हैं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ जो कि मुझसे दूर है इस समय, तो भी हम आपकी आत्मा के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। हम शरीर में एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन हम आत्मा में एक हैं, और इसीलिए हम इस सौभाग्य को महत्वपूर्ण समझते हुए आपको आदर देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हे ज्योति के पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि तूने हमें मृत्यु में नहीं छोड़ दिया, तूने मृत्यु के बाद भी हमें एक आशा दिया, एक जीवन दिया, और अगर हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे प्रभु तो हम स्वर्ग में आपके पास रहेंगे और आपके साथ हम आपका इंतज़ार करते रहेंगे प्रभु, और एक दिन जब आप हमें ले जाने आएंगे तो हम मुर्दों में से जी उठेंगे, और अगर हम जीवित रहेंगे प्रभु जी तो हम बादलों में उठा लिए जाएंगे और हम सब आपके साथ मिलेंगे। प्रभु जी, जब तूने हमें इस समय दिया है तो हमें फजल दे, हमारे इन भाई बहनों को फजल दे, हम सबको फजल दे कि हम बड़े ही आशा के साथ रहें, बड़े ही गंभीरता के साथ रहें, बड़े ही तैयारी के साथ रहे, आत्मिक उन्माद से भरे रहे, परमेश्वर के काम में ढीले ना हो जाएं। और प्रभु इस बड़े बोझ को रखें कि ईश्वर के आने से पहले मुझे कई लोगों को परमेश्वर के पास लेके आना है। प्रभु, मैं इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कि अपने अपने घरों में हैं या आपके दिए हुए स्थानों में हैं प्रभु, शायद इनका मन किसी बात के लिए व्याकुल है या विचलित है प्रभु जी, शायद हम लोग इस परिस्थितियों के कारण विचलित है। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु, और मैं इनकी इनको आशा देता हूँ, मैं इन्हें प्रभु यीशु मसीह में शांति देता हूँ, और मैं इनसे ये कहता हूँ कि तुम्हारा मन ना घबराए। जब आप पिता पे विश्वास करते हैं, देखिए पिता आपके लिए जगह को तैयार कर रहा है, वो आकर के आपको ले जाएगा ताकि आप वहाँ पे रहें। आइए जैसा पिता ने आपके साथ अपने पुत्र के द्वारा बर्ताव किया, प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम इस सब अनुग्रह को दूसरों तक पहुँचा सकें। मेरे इन सारे भाई बहनों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद हमारे दूल्हे के लिए, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता के लिए, धन्यवाद हमारे प्रभु और स्वामी के लिए। हे प्रभु, आ हमें तैयार कर ताकि जब हम तुझसे मिले तो तुझ में हम परिपूर्ण और परिपक्व हो जाए। मेरे तमाम भाई बहनों को आशीष दे, और ये प्रार्थना हमारे आने वाले प्रभु, हमारे दूल्हे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और प्रभु के लोग कहिए आमीन। हे प्रभु, तू जल्दी आ। परमेश्वर आप में से हर एक को बहुत आशीष दे, फलवंत करे और इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।